हेलो गाइस, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे बजट स्मार्टफोन की बात करेंगे और गाइस उस फोन की अनबॉक्सिंग भी करके आपको दिखाएंगे। गाइस उस आपको मतलब कि कोई भी बजट स्मार्टफोन लेना हो, आपसे मतलब कंफ्यूजन रहता है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना होगा या कौन सा नहीं लेना है। तो गाइस किसी फ़ोन में आपको कैमरा कम देखने को, किसी में बैटरी या किसी में आपको रैम या रोम आपको कम देखने को मिल जाती है। तो गाइस इसी को लेकर आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ और ऐसा फ़ोन लेकर आया हूँ जो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। गाइस जो कि भी आप ना देखते हो कि 5G फ़ोन ज़्यादातर आ रहे हैं और आप लगातार 5G के पीछे भागते रहते हो। तो गाइज मैं ये बोलूंगा कि आप 5G के पीछे मत भागो अभी, क्योंकि जितने आपके बजट में वो फोन है नहीं, जितने आप 16 17 या अभी आप 20,000 से ऊपर वाले फोन लेते हो वो 5G होते हैं, अच्छे होते हैं और वो आप बिल्कुल खरीद सकते हो अगर आपकी इतनी रेंज है। तो अगर आपकी रेंज है 15,000 से नीचे तो आपको 5G नहीं खरीदना चाहिए, मैं ये बोलूंगा। और गाइज क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि गाइज मैंने बहुत से फोन देखे जिसके अंदर UFS कम देखने को मिलती है, AMOLED स्क्रीन नहीं देखने को मिलती है। और गाइज सुपर AMOLED स्क्रीन जो फोन आज हमने आया है, आज इन अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, वो सब कुछ इसके अंदर है। तो गाइस सब कुछ हमने पोको से लेकर वीवो से लेकर ओप्पो जो कि भी बहुत सारे स्मार्टफोन हैं, हर एक फोन स्मार्टफोन को देखा है और वीवो T2X को भी लेकर देखा है। उसकी जो साउंड है वो कम है बहुत ज़्यादा, जो वीवो T2X है उसकी साउंड बहुत कम है, तो हमने वो फ़ोन परचेज नहीं किया। 5G बेसक है लेकिन वो साउंड ही नहीं होगी ज़्यादा, तो फ़ायदा क्या होगा उस चीज़ का। तो वीवो T2X का लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो गाइस हमने एक ऐसा फ़ोन लेकर आए हैं आपका जो भी 12,000 तक की रेंज में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस ये है जो कि भी हम फोन लेने गए थे वहां पर, तो हमने जो एड्रेस है वहाँ पर फ़ोन हमारा आ चुका था जो कि रियलमी स्टोर से हमने मंगवाया था। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाइक खड़ी हुई है जो कि ये डिलीवरी बॉय आया हुआ है। यहाँ पर हमें रियलमी का जो लोगो दिख रहा होगा एक पैकेट के ऊपर जो पार्सल है वो हमारा ही है। अब थोड़ी देर में हम इसको लेंगे, लेकिन गाइज उससे पहले ना हम जो वीडियो बना रहे थे उसमें ना ये जो वीडियो बना रहे थे हम, तो ये जो डिलीवरी बॉय ना ये हमें मना करा रही भाई मेरी वीडियो मत लो। तो गाइज हम इसकी वीडियो नहीं ले रहे थे, फिर भी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो गाइज ये देख सकते हो हमारा ये फ़ोन है आप, जो कि हम रियलमी की तरफ से रियलमी स्टोर की तरफ से हमने मंगवाया है। और गाइज ये आप प्रोसेसिंग चल रही है कि भाई OTP वगैरह आपको देना होगा, ये सब कुछ ये चलता ही आपको पता ही होगा। अब हम जल्दी से इसको ऑन कर रहे हैं। हम ये डिलीवरी बॉय ना ये हमसे बहस करने लगा था, तो हमने बोला कि हमारा सामान है तो हम वीडियो तो बनाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो हम ये खोल रहे हैं पोलोथीन, जल्दी जल्दी से हम पोलोथीन खोल रहे हैं और जो ऊपर रैप पर है उसको भी हटा के देखेंगे। और घर पर जाकर हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, असली बात यही है। तो गाइज ये हमने बस बॉक्स देखना था कि अंदर बॉक्स क्या है, मतलब फ़ोन है या नहीं है ये कुछ हमें देखना था। हम जल्दी जल्दी जितना खोले लेंगे उतना ही लेट हो रहे थे, जिसकी वजह से भाई हमारे पास कुछ खोलने के लिए कुछ काटने के लिए कुछ था नहीं। तो गाइज ये देखो अब ये डिलीवर बॉय तो चला ही गया और हमने ये बॉक्स देखा तो हाँ भाई हमारा फ़ोन इसके अंदर जो रियलमी का ब्रांड ऊपर लोगो है वो लगा हुआ था बॉक्स के ऊपर भी अंदर भी, तो हमने उसको फ्री कर दिया था कि भैया आप जाओ। तो गाइज आप ये देख सकते हो हमने ये बॉक्स खोल रहे हैं, अंदर हमें हमारा स्मार्टफोन देखने मिलता है। ये देख सकते हो अब हमने ये बॉक्स ओपन करने के बाद तो हमें हमारा रियलमी का बॉक्स अंदर देखने बिल देखने को मिला और रियलमी का बॉक्स देखने को मिला। तो गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई आप ये फ़ोन बजट फ़ोन है और ये ऑफर में चल रहा है, आप 11,500 रुपये तक का ये फ़ोन ले सकते हो, 4/64 रैम वाला और LPDDR4X आपको मिल जाती है और UFS 2.2 यहाँ पर देखने को मिल जाती है, 30 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, सुपर AMOLED स्क्रीन, 90Hz की सुपर AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है फ़ोन के अंदर। अब हम बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, गाइज आप देख सकते हो अब आप इसकी अनबॉक्सिंग देख रहे होगे जो कि इसके अंदर हमें जो कि रैपर हटा लेते हैं जल्दी से। तो गाइस इसके अंदर ऊपर मेंशन किया हुआ कि 5000mAh की बैटरी है, 90Hz की सुपर AMOLED स्क्रीन, मीडिया टेक का प्रोसेसर G99 आपको देखने में जाता है जो कि हमने जो और फोन देखे ना उनके अंदर नहीं था, G99 प्रोसेसर इसके अंदर मिल जाता है। 11,500 रुपये में ये फ़ोन हमने लिया है और इसके अंदर ऊपर हमें स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और गाइस जो कि भाई सबसे बड़ी बात ये है कि G99 प्रोसेसर इसके अंदर मिलता है, हमने ये ब्लैक ब्लू जो ब्लू कलर भी बोल सकते हो, तो थोड़ी शेड ब्लू की है तो आप इसको ब्लू भी बोल सकते हो, तो ये कलर हमने ये मंगवाया है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक बार लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। ये बजट स्मार्टफोन है, आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो, इसके अंदर आप गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सुपर AMOLED स्क्रीन है, इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए इस रेंज के अंदर। जितने हमने 9 10 11 12 15 तक का रेंज भी देखा, लेकिन 15 तक की रेंज में भी ऐसा फोन नहीं मिला हमें अभी तक। तो
गाइज आप ये फोन बिल्कुल ले सकते हो। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। हर दम हम नई वीडियो अपलोड करते हैं, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।